नमस्कार, स्वागत है आपका आपके हमारे खास कार्यक्रम ग्रह चक्र में। और आज हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण की। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि चंद्र ग्रहण है तो आज सूतक भी होगा और भगवान को कष्ट ना हो इसीलिए पूजा नहीं किया जाएगा। लेकिन आज जो चंद्र ग्रहण है वो उपछाया चंद्र ग्रहण है। आखिर इसका क्या महत्व होता है, ये किस तरह की खगोलीय घटना है, ऐसे तमाम प्रश्न हैं जिनका आज हम उत्तर जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य वैभव केशकर जी। आपका स्वागत करती हूँ मैं आचार्य जी। नमस्ते स्मिता जी, कैसे हैं? बस, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आचार्य जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आज जो ग्रहण पड़ने वाला है चंद्र ग्रहण, ये कहा जाता है कि इस चंद्र ग्रहण में सूतक नहीं लगेगा। सबसे पहले तो उपछाया चंद्र ग्रहण क्या है ये आप हमें बताएं। देखिए, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि 2020 में एक बहुत खूबसूरत सी खगोलीय घटना हो रही है। जो 2019 का जो अंत था वो सूर्य ग्रहण से हुआ और चंद्र ग्रहण से उसका बैलेंस करते हुए चंद्र ग्रहण जनवरी में शुरुआत हो रहा है। उपछाया चंद्र ग्रहण जो होता है वो चंद्र पे जो छाया पड़ती है जब पृथ्वी बीच में होती है, तब जो चंद्र पे छाया पड़ती है वो धुंधली होती है बहुत ज्यादा। तो वो रिफ्लेक्टिव रेज, साइंस के भाषा में अगर मैं कहूँ तो वो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्शंस जो होते हैं, जो रिफ्लेक्टिव रेज होती हैं, वो सीधे सीधे पृथ्वी पे नहीं आती है जी। तो इसका असर जो है वो निग्लिजिबल है। तो इसलिए घटकों की तरफ से या गोचर की तरफ से भी ये ज्योतिषीय घटना हम लोग इसको नहीं, हाँ, चूंकि ग्रहण है, ग्रहण का मतलब ग्रहण करना, उसको एक्सेप्ट करना जी। तो चंद्र ने उसको एक्सेप्ट किया तो वो ग्रहण हो गया। तो ये चंद्र ग्रहण उपछाया ग्रहण है, इसमें छाया चंद्र के ऊपर धुंधली सी है जिसका कोई भी असर, और पहली बात इतने सालों के बाद, बहुत दिनों बाद एक ऐसा ग्रहण आया जिसमें मंदिरों के पट नहीं बंद होंगे। हाँ। और आप जितनी आराधना कर सकते हैं, मैं आपको फैक्ट बताऊं, जब थोड़ा सा भी ग्रहण कहीं हो और उसमें अगर हमें आराधना की का समय मिल जाए तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे वो बहुत सारे हम कार्य सिद्ध कर सकते हैं, वो बहुत सारी नेगेटिविटीज को दूर कर सकते हैं जो एक उपछाया चंद्र ग्रहण के द्वारा या नॉर्मल हमारी लाइफ में चली आ रही है। सो दिस इज द, ये एक तरीका है उपछाया चंद्र ग्रहण से थोड़ा सा अपने आप को प्रूफ प्रोटेक्ट भी करने का और उसको सिद्ध करने का। और सबसे अच्छी बात यह है आचार्य जी कि इस ग्रहण का असर किसी भी राशि पर नहीं पड़ने वाला है। हालांकि सबसे लंबा चंद्र ग्रहण है, इस सदी का पहला चंद्र ग्रहण है और एक मिनट जी चंद्र ग्रहण, बिल्कुल। लेकिन इसका किसी भी तरह से कोई नकारात्मक परिणाम देखने को हमें नहीं मिलेगा। लेकिन आपने जिक्र किया ये खगोलीय घटना, खगोलीय घटना है, ज्योतिष में इसे नहीं काउंट किया जाता, लेकिन ग्रहण है इसीलिए इसे माना भी जाता है। मैंने अभी कहा ना कि ग्रहण का मतलब ही ग्रहण करना है, है ना? तो ग्रहण का मतलब ही ग्रहण करना है। और जब हम किसी भी चीज को ग्रहण करते हैं तो उसको माना जाता है ग्रहण जी। तो जिस वक्त हम ग्रहण को मानते हैं तो उस ग्रहण की कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जिसको हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम उसको राशियों की तरह कैलकुलेट ना करें, और अगर हम उसको कैलकुलेशन करते हैं न्यूमरोलॉजिकली तो उस पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का असर तो हम ये कह सकते हैं, हाँ, कि एक एक जिसका भाग्यांक या मूलांक आ रहा है तो उसको ये करना चाहिए कर्म, और जिसका ये नहीं आ रहा है तो उसको ये नहीं करना चाहिए, या जो अंक शास्त्र के हिसाब से उनको इस चंद्र ग्रहण का कैसे उपाय करना चाहिए ये अपन देख सकते हैं इसमें, और वो किस तरीके से उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए, ज्योतिष के अनुसार तो नहीं लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट के अनुसार आखिर इस चंद्र ग्रहण का क्या महत्व है और किस तरह से आपको सावधानी बरतनी चाहिए ये हम जानते हैं। तो आचार्य जी शुरुआत करते हैं इसकी। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये चंद्र ग्रहण जो है ये करीबन 20 से 22 साल के बाद ऐसा चंद्र ग्रहण हमको देखने को मिल रहा है जिसकी छाया पूर्ण रूप से नहीं होगी और उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। दूसरा, 10:37 के आसपास ये ग्रहण लगेगा और ये 11 तारीख को जाकर खत्म होगा सुबह 2:45 बजे के आसपास। सबसे अच्छी बात है चूंकि सूतक नहीं है तो आप इस ग्रहण का एक उपयोग कर सकते हैं कि जो भी सफेद चीजें आपके घर में मौजूद हैं या जो सफेद चीजें आपके घर पे, जैसे दूध हुआ, नमक हुआ, शक्कर हुई, दवाइयां हुई, इनको आप उन जरूरतमंदों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो जिसको इनकी जरूरत है। तो ये ग्रहण आपके लिए फलीभूत और हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ग्रहण तो है जी, ठीक है ना। दूसरी बात पे हम आते हैं कि जब चंद्र ग्रहण लगेगा उस समय आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें, और इस वक्त आप इस परिस्थिति में हवन कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात, क्योंकि चूंकि सूतक नहीं है और मंदिर के पट खुले रहेंगे, लेकिन ज्योतिष होने के नाते या कहूंगा कि थोड़ा बहुत फिर भी मंदिर में आराधना करें
ज्योतिष होने के नाते दूसरी शब्द ये कहूंगा कि मूर्तियों को न छुएं जी, है ना। आराधना करें, मंदिर के पट खोल के रखें, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको याद करें, जो आपके कुल देवता हैं। आज कुल देवता को याद करने का सबसे अच्छा दिन है जी। सर्वप्रथम कुल देवता को याद करें और बाकी आप देखिएगा, ये ग्रहण कहीं ना कहीं आपको न्यूमरोलॉजिकली भी और स्पिरिचुअली भी फायदा देके जाएगा। आचार्य जी आपको यहाँ रोकूंगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं हेमंत चतुर्वेदी जी, उनसे जानते हैं वो आखिर क्या सवाल है उनका, क्या जानना चाहते हैं। हेमंत जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछें। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, इस चंद महीने को लेकर करियर को लेकर सवाल करना है, कुछ बदलाव देखने को आएगा क्या जी मौजूदा वक्त में? बिल्कुल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका या तो मुझे डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा बता दें या फिर आपका नाम एक बार मुझे फिर बताएंगे। हेमंत चतुर्वेदी, हेमंत चतुर्वेदी। जी हाँ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि राशियों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव इस पे नहीं देखने को मिलता है इस चंद्र ग्रहण का, लेकिन चूंकि 17 आपका अंक आ रहा है, 8 आपका मूलांक है ना, तो 8 का जो मूलांक है, 8 के मूलांक के हिसाब से इस चंद्र ग्रहण में मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि ये 2020 का साल है, 2020 का साल है, तो 4 का अंक और 8 का अंक विभाज्य है, तो ये साल आपके लिए एग्जैक्टली कहूंगा तो करियर के लिए वाकई बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपके करियर में जो चेंजेस या प्रोफाइल चेंजेस हो सकते हैं, जॉब प्रोफाइल चेंज हो सकता है, आपके ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है करियर में, लेकिन इस चंद्र ग्रहण के कारण उस पे इतना ज्यादा असर नहीं है। जो अभी तक आपकी राशि चली आ रही है वही आपके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है और आपके हिसाब से आपके ग्रह भी इस वक्त सब सही चल रहे हैं, तो चंद्र ग्रहण का बहुत ज्यादा कोई आपके ऊपर असर नहीं दिख रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, उम्मीद है आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, संचिता शुक्ला। संचिता बहुत बहुत स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार पंडित जी। नमस्ते संचिता जी, कैसे हैं? जी पंडित जी, मैं मिथुन राशि की जातक हूँ और इस चंद्र ग्रहण पर क्या असर होने वाला है, क्या अच्छा बुरा होगा उसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। आप अभी अभी प्रोग्राम देख रही हैं शायद, अभी शुरुआत की है आपने। चलिए मिथुन राशि के बारे में मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि न्यूट्रल राशि है। पहली चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जब इससे पहले हमने जो न्यूमरोलॉजी का शो किया था नए साल के लिए, उसमें भी मैंने बताया था कि ये साल मिथुन राशि के लिए आधा पॉजिटिव और आधा जो है नेगेटिव, नहीं कहूंगा पॉजिटिव की तरफ कहूंगा, लेकिन आधा जो है वो पॉजिटिव ज्यादा है आपके लिए। लेकिन चूंकि ये चंद्र ग्रहण है और ये राशियों पर कोई ज्यादा बहुत ज्यादा असर नहीं डाल रहा है, अंकों पे जरूर असर थोड़ा सा दिखने को मिलता है, क्योंकि देखिए चंद्र मन का कारक है, मन को जरूर विचलित करेगा क्योंकि ग्रहण है। तो मिथुन जो है वो न्यूट्रल राशि है, आपने देखा होगा इसमें जो साइन होता है, इसमें एक स्त्री का भी साइन होता है, एक मनुष्य का भी साइन होता है, तो दोनों ही मन लेकर चलता है, तो मन को थोड़ा विचलित कर सकता है दोनों तरफ से, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, तो मन को पॉजिटिव करके चलें। बाकी एज सच आपके कुंडली के ऊपर बहुत बड़ा कोई असर इस ग्रहण का नहीं पड़ रहा। आपने पूरा सुना नहीं, मैंने बोला आधा नेगेटिव बोला ही नहीं, मैंने आपसे बोला आधा साल पॉजिटिव रहेगा और आधा साल जो है वो संयुक्त रूप से पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिविटी की तरफ अगर आप जाते हैं, क्योंकि मन का कारक है चंद्रमा और जब चंद्रमा पे ग्रहण लगता है तो कहीं ना कहीं मन विचलित होता है, है ना मैम, तो मन को आपको स्ट्रांग करना है, मन से आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिविटी आपके अंदर वैसे भी है, दिख रही है, बातों से भी लग रहा है, यू आर वेरी मच स्ट्रांग इन द थिंकिंग्स एंड ऑल, सो आप एक ही चीज में आपसे बोलूंगा कि पॉजिटिव रहिए, आपके लिए ये साल वाकई बहुत अच्छा है। थैंक यू, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संचिता। आचार्य जी आपने कहा कि राशियों पर इसका असर नहीं है, मूलांक के हिसाब से हम इस पर बात कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन एक चीज आपने ये कहा कि हाँ मूर्तियों को नहीं छूना है, जो सफेद चीजें हैं उन पर आपको विशेष ध्यान देना, ये कहा जाता है कि जिसका चंद्रमा भारी होता है या फिर जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या फिर चंद्रमा उसका सही नहीं है, बहुत ज्यादा कष्ट में है, बिल्कुल, तो क्या उसके लिए भी इस चंद्र ग्रह में किसी तरह का कोई आप बताएंगे उपाय कि किसी तरह का कोई उपाय कि उनके चंद्रमा को कैसे शांत किया जाए? बिल्कुल स्मिता जी, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि चंद्र मन का कारक है और मन से ही हमारा पूरा शरीर चलता है, हम जैसा सोचेंगे वैसा, जैसा सोचेंगे वैसा मन हो जाएगा, है ना, तो मन के हिसाब से जो मन से रिलेटेड चीजें हैं, चंद्रमा श्वेत वर्ण लिए हुए हैं और श्वेत वर्ण के ऊपर कहीं ना कहीं चंद्रमा के ऊपर जो हम धब्बे देखते हैं वो धब्बे नहीं है, वो बेसिकली जो है वो उनके ऊपर जो पहाड़ या
जो बाकी शिलाएं हैं वो हमको यहाँ से दिखती है तो वो धब्बा दिखता है जी। लेकिन क्योंकि सफेद और श्वेत वर्ण या क्रीम कलर लिए हुए होता है तो उनसे रिलेटेड चीजें जैसे गाय का दूध हल्का सा पीलापन लिए हुए होता है उसको हम दान कर सकते हैं। आप क्रीम कलर के कपड़े या सफेद कलर के श्वेत वस्त्र आप लोगों को दान कर सकते हैं, आप नमक दान कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस चंद्रग्रहण में मैं आपको बताना चाहूंगा, नमक दान करने से बहुत सारी नेगेटिविटीज हमारी जो है वो दूर होती है। सफेद कलर की मोती को आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, चांदी किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। सफेद चीजें गिफ्ट करने से आपका मन का जो कारक है वो बहुत स्ट्रांग होता है। और सफेद चीजों में दवाइयां मैं खासकर बोलूंगा स्मिता जी, क्योंकि दवाइयां बहुत जरूरी है इस वक्त बहुत सारे लोगों के लिए। तो अगर दवाइयों का दान करेंगे तो ये ह्यूमैनिटी के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज होगी, और जिनको उसकी जरूरत है उन दवाइयों की वो आपको दुआएं भी देंगे और ईश्वर से जो प्राप्ति आपको होगी वो अलग ही बात है। मूलांग की हम बात कर रहे थे, चलिए मूलांग पर हम चर्चा शुरू करते हैं। बिल्कुल जी, सबसे पहले आता हूं मैं एक नंबर के मूलांग पे। तो एक नंबर के मूलांक वालों के लिए इस चंद्रग्रहण के अंदर कुछ खास स्थितियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि मूलांक एक है और चंद्रग्रहण सूर्य के बाद पड़ा हुआ है। सूर्य ग्रहण पिछले साल पड़ा था, इस साल पहला चंद्रग्रहण पड़ रहा है तो हम इसको पहली ही तारीख से जोड़ेंगे, और आज 10 तारीख है मैम जी, तो 10 का अंक भी एक ही आता है। तो आपको एक ही काम करना है, एक तो सफेद धागा आपको थोड़ा सा हल्दी में भिगो कर अगर आप चाहें तो अपने सीधे हाथ में बांधें, और आज के ग्रहण के बाद उस धागे को निकाल के तुलसी के अंदर उस धागे को वापस रख दें जी। ये एक आपका उपाय है, और इस कारण से जो आपको फायदा होने वाला है, सबसे पहले दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। दूसरी चीज, आपके घर के अंदर इस वक्त जो जबरदस्ती की या छोटी मोटी कलहें चल रही हैं वो इससे दूर होने के चांसेस बनते हैं। एक मूलांक वालों का जो इस वक्त मनोबल हल्का सा डाउन चल रहा है सूर्य ग्रहण के कारण, उसको स्ट्रांग करने में मदद मिलेगी। मूलांक दो की अगर बात की जाए तो उन्हें किस तरह से फायदा होगा और क्या क्या सावधानियां इस चंद्रग्रहण पर उन्हें बरतनी है? फिर से 2020 का साल है, 2020 चल रहा है, दो का अंक है तो 100% दो को सपोर्ट करेगा, दो का विभाज्य अंक भी है। और मैं बोलना चाहूंगा कि दो वाले अंक के जो हमारे जातक हैं वो अगर गुड़ और नारियल को प्रसाद के रूप में या इसको अगर वो सेवन करना आज से चालू करते हैं दो वाले अंक के लोग, तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। दो अंक जो है इस साल इनका फरवरी के बाद, फरवरी 22 तारीख से इनका भाग्योदय होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। थोड़ा सा तबीयत का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, चूंकि ठंड ज्यादा पड़ रही है तो शीत वात कफ इससे रिलेटेड इनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बाकी पूरा साल इनके लिए अच्छा है। मूलांक थ्री के लिए यानी कि तीन के लिए कैसा रहेगा ये चंद्रग्रहण आचार्य जी? मूलांक तीन जो है वो बेसिकली थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिथुन राशि को बिलोंग करता है, तो फिर मैं कहूंगा कि ये ग्रहण जो है वो राशि के हिसाब से नहीं है। तीन मूलांक पे जो है इस ग्रहण का सिर्फ इतना ही असर होगा कि जो पढ़ाई में जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये साल उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे शायद फिर से रिपीट कर रहे हैं इस साल को, या कोई एग्जाम्स दे रहे हैं, या गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या MBA की तैयारी कर रहे हैं, या मैनेजमेंट से रिलेटेड, या गणित या सांख्यिकी से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये साल थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करने के लिए है, क्योंकि ये साल कहीं ना कहीं इनकी मेहनत को देश से भी जोड़ेगा। तो देश से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं, या जो हमारे अर्थव्यवस्था के साथ चल रहे हैं, जो लोग जिनके हाथ में है, उन्हें ये साल अपने आप को बहुत कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि उनके हाथ में हमारे देश की भी अर्थव्यवस्था है। मूलांक चार किस तरह से इस चंद्र ग्रहण से प्रभावी होगा? चार का साल है, और चार का साल है 2020, दो और दो चार करेंगे और चार होता है आज मूलांक, तो चार के लिए हर तरीके से ये बहुत ही शुभ साल है। सरस्वती जिह्वा पे विराजमान होंगी, चार अंक के लोग जिनसे भी जो भी कमिटमेंट करें वो जरूर पूरा करें, क्योंकि उन कमिटमेंट्स के कारण आपको बहुत फायदे होने वाले। आने वाला समय आपका है, ये साल पूरा आपका है, जी भर के जिए इस साल को, और कोशिश कीजिए कि किसी का मन न दुखाएं, किसी का अपमान न करें, बस यही चाहूंगा चार वालों के लिए, क्योंकि ये साल आपका है, खुल के एंजॉय कीजिए। मूलांक पांच के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? पांच का अंक थोड़ा सा सेहत से रिलेटेड, और कहीं कहीं जो लोग बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होते हैं या जिनको बहुत ज्यादा ईगो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं,
या बहुत ज्यादा अहंकार लिए होते हैं, कृपया करके वो अहंकार को छोड़िए। आपके लिए यह साल अहंकार लेने के लिए नहीं है, कहीं ना कहीं यह साल आपको बहुत सारी चीजें सिखा के जाएगा और आपको सिर्फ एक ही अहंकार को त्यागना है। जिस दिन आप वो अहंकार त्यागेंगे, 5 का अंक आपके लिए ये लाइफ चेंजिंग अंक होगा, आपके लिए ये जीवन का सबसे अच्छा अंक है, क्योंकि फॉर्चून का अंक भी कहलाता है, एक तरह से सूर्य का अंक भी है, सिंह राशि का भी अंक है, तो ये आपको कहीं ना कहीं राज भी करवाएगा, विपरीत राजयोग से भी आपको ये फायदा करवाएगा। इसलिए सिर्फ अहंकार से दूर रहना है इस साल और कुछ नहीं, आपको मन को स्ट्रांग करना है, ईगोइस्टिक नहीं रहना। मूलांक 6 के लिए किस तरह का रहेगा ये चंद्र ग्रहण? 6 का अंक जो है वो विद्यार्थियों के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, और जो लोग, मैं जैसे पहले भी बोल चुका हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, बॉलीवुड से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, एंकर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जो सोशल पर्सनैलिटीज है, जो सीधे सीधे चंद्र से, शुक्र से जिनका रिलेशन चलता है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा भी है और नाम खराब करने वाला भी है। थोड़ी दिन पहले आपने देखा दीपिका पादुकोण का एक छोटा सा केस हो गया जी। तो ये ग्रहण जो है ये कहीं ना कहीं ऐसे कुछ ना कुछ छोटे मोटे ग्रहण स्टार्स पे हमारे लगाएगा, तो उससे दूर रहना चाहिए। कुछ ज्यादा बोलने से, कुछ ऐसी जगह अपने आप को प्रस्तुत करने से दूर रहना चाहिए जहां जगह आपकी ना हो, वहां कृपया करके ना जाए। सेलिब्रिटीज के लिए ये साल बहुत अच्छा है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए साल बहुत अच्छा है, आर्टिस्टों के लिए साल बहुत अच्छा है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अपना मुकाम मिलेगा। मूलांक 7 कुछ लोगों के लिए बड़ा अट्रैक्टिव होता है, 7 की अगर बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि 7 फेरे 7 अजूबे, इस तरह से लोग बातें भी करते हैं, तो मूलांक 7 को लेकर किस तरह का ये ग्रहण होने वाला? स्मिता जी के बारे में बोलूंगा, बड़ी खोजी पत्रकार है, बड़े बड़े खोज के क्वेश्चंस लेके आती है। देखिए 7 दिन है, 7 का अंक है, 7 जो है वो फेरे होते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने, 7 फॉर्चून का अंक है, ये आपके लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस एकदम से करता है। इसमें आपको, मैंने पहले भी बोला कि आपको प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको इस साल सिर्फ कर्म करना है, आपके साथ ईश्वर है, आपके पीठ के ऊपर उसका हाथ है, जहां आपने ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन वो मेहनत आपकी 100% उस जगह पे होनी चाहिए जहां से आपको रिजल्ट मिलने वाला होगा। आप अगर ऐसी जगह मेहनत करेंगे जहां, मान लीजिए दीवार के ऊपर अगर आप मेहनत कर रहे हैं, वो दीवार खिसकने वाली तो है नहीं, इससे अच्छा कहीं गड्ढा खोल दीजिए, 40% पानी निकाल लेंगे। तो वो मेहनत आपको पता करनी चाहिए कि स्मार्ट मेहनत कहाँ करनी है। बाकी ये साल फॉर्चून का अंक है, प्लान मत करिए लाइफ को, अपने आप चलने दीजिए, ईश्वर के ऊपर सौंपिए अपने आप को और कर्म करते जाइए, गारंटेड ये साल आपका है। मूलांक 8 के लिए आप क्या बताना चाहेंगे आचार्य जी? पहले तो मैं एक चीज सबसे बोलना चाहूंगा कि 2020 बहुत सालों बाद हम ज्योतिषों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करने के लिए आया है, बहुत ज्यादा टेंशन किसी को देना नहीं है। 8 का अंक भी 4 से विभाज्य है, तो 8 जो है वो बार बार सपोर्टिव रहेगा 2 के अंक को, 4 के अंक को, तो जो 8 के अंक वाले हैं या 8 के अंक की जो नारियां हैं, जो स्त्रियां हैं, उनके लिए ये साल गजब का है। दूसरा, ये नारी शक्ति के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है, क्योंकि चंद्र ग्रहण आंशिक भी है और अल्प छाया वाला है जी। तो जितनी लड़कियों के ऊपर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई इस बीच में, जो हमारी बच्चियां, जो हमारी नारी शक्ति, जिनके ऊपर बहुत सारे ट्रबल्स आए, वो सारे ट्रबल्स इस साल देखिएगा आप धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। जो मेंटेलिटी है लोगों की वो चेंज होना चालू हो जाएगी, क्रिमिनल एक्टिविटीज जो फीमेल्स के लिए हो रही हैं वो कम हो जाएंगी। मूलांक 9 नवग्रह की हम बात करते हैं और ये चंद्र ग्रहण है, किसी तरह का कोई प्रभाव 9 मूलांक या फिर नवग्रह के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? 9 का अंक बड़ा मस्त अंक है, गोल्डन स्पून का अंक कहते हैं हम उसको, कि जो 9 का अंक लेके पैदा होता है ना, वो जिंदगी भर इतनी मेहनत करेगा, फल इतना मिलता है उसको। तो स्मिता जी, इसमें एक चीज बहुत अच्छी बात कहूंगा मैं, कि 9 का अंक जो है वो इस साल आपको हर जगह आगे रखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बैक बाइटिंग या पीछे से आपके ब्लैक पुलिंग होगी, क्योंकि वो आपके आगे आप जो आगे निकल रहे हैं, आपकी जो मेहनत है लोगों को दिख रही है, आपकी मेहनत करने के बाद आप जो पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो, वो लोगों को सहन नहीं होगा। तो थोड़ा सा बैक बाइटिंग से बचिएगा, ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहिएगा जो नेगेटिव है आपके लिए। और ये 9 का अंक रियली, क्योंकि देखिए 9 ग्रह है ना, और 9 ही अंक है, तो नवग्रह ही सपोर्टिव है इस 9 के अंक को। तो आपको नौकार, नमोकार, ये सारे मंत्र आपको मदद करने वाले हैं इस साल, और ये साल आपके लिए बहुत सिर्फ नेगेटिविटी से और नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। एक कॉलर का हमारे पास फोन आया है, कुशम शर्मा मध्य प्रदेश से हमसे बात कर रही हैं। कुशम जी बहुत बहुत स्वागत है, क्या जानना चाहती हैं आप?
थोड़ा कुसुम जी की कुसुम जी क्या नाम लिखते हैं? कुसुम जी। कुसुम जी आप अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और नाम बताएं। 7 फरवरी 1983। 7 का अंक है। मैंने अभी भी बोला कि आप अपने बच्चा जो है आपका, आप उसके लिए बिल्कुल चिंतित मत रहिए, आपके बेटे का भविष्य 7 फरवरी 1983। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 7 की बात कर रहा हूँ। 7 का 7 डेट ऑफ बर्थ है ना आपके बच्चे की? 7 फरवरी है ना जी। हाँ जी। मैं बोल रहा हूँ आपसे कि 7 फरवरी जो है आप बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि आपके बेटे का जो पढ़ाई से रिलेटेड ये साल है और आने वाले समय में उसको जॉब से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। थोड़ा सा मेहनत जरूर है और कहीं कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के अंदर, वो भी मार्च के बाद सही हो जाएंगे, क्योंकि 7 का अंक है ये अचानक से लाभ धन लाभ भी लेके आएगा। अचानक से आपको शिक्षा में भी कोई लाभ देगा, या अगर ये गवर्नमेंट सर्विस के लिए तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये मेहनत करें तो इनका चांस बनता है, क्योंकि 7 का अंक है फॉर्चून लेके आएगा लाइफ के अंदर और पॉजिटिव फॉर्चून लेके आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुसुम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे और हमारे पास भी अब वक्त की कमी है। चलते चलते एक आखिरी सवाल आचार्य जी, किसी तरह की कोई खगोली घटना, क्योंकि हमने जिक्र इसमें यही किया कि खगोली घटना है, तो क्या इसका कोई असर जीव जंतुओं पर या फिर जो कहते हैं कि कुदरत पे देखने को मिलेगा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं स्मिता जी, सबसे अच्छी बात यह है कि आपने क्वेश्चन पूछा, साइंस और ज्योतिष अलग अलग नहीं चलते हैं जी, है ना। उसको जो डिस्कस करने वाले लोग होते हैं या जो उसके ऊपर आर्गुमेंट करने वाले लोग होते हैं उसको गलत तरीके से, आप एक चीज देखिए, शैवाल कहाँ पैदा होता है? ऐसी जगह जहां ठंडाई हो या जहां सूरज की रोशनी कम पड़े या चंद्रमा की रोशनी कम पड़े। तो जब ऐसी जगह पे शैवाल या मशरूम उगते हैं या ऐसे जानवर जो पैरासाइट्स होते हैं ऐसी जगह ही, या बैक्टीरिया ऐसी जगह उगते हैं जहां ठंडक मौसम होगा या सूर्य की रोशनी नहीं जा रही होगी या चंद्र की रोशनी नहीं जा रही होगी। तो ये जो खगोलीय घटनाएं होती है जो थोड़े समय के लिए, तो चंद्र पे जो छाया आ जाती है या सूर्य पे जो छाया आती है वो कहीं ना कहीं आपके पृथ्वी के ऊपर वो सारी रेस ट्रांसफर करती है जो नहीं आनी चाहिए एज ए गैस के रूप में। तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये सूतक लग गया है, इसमें खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो बैक्टीरिया उस पर पनपते हैं, ठीक है। इसलिए ये हम मना करते हैं इसको, बस इसको हमने अपने अध्यात्म से जोड़ दिया या साइंस को, ताकि लोग उसको मानने लगे, बस यही एक कारण है। और खगोलीय घटना है, इसको एंजॉय करना चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें हर चीज में कोई ना कोई नेगेटिव पार्ट भी होता है, अगर पॉजिटिव है तो। साइंस के लिए अगर वो पॉजिटिव है तो थोड़ा बहुत नेगेटिव भी है कि जो जानवर है या जो पशु पक्षी है वो हल्का सा थोड़ा सा घबरा से जाते हैं, क्योंकि एकदम से छाया, कुछ विचित्र घटनाएं है होती हैं, क्योंकि उनको समझ में जल्दी आ जाता है, वो आकाश में ही रहते हैं, बाहर घूमते रहते हैं। तो मनुष्यों को भी इसलिए बोला गया है कि उस समय घर में रहें, ताकि वो नेगेटिव अल्ट्रावायलेट रेज जो भी या कुछ गैसेस जो कन्वर्ट होती हैं वो आपके शरीर में न लगे, आप बीमार ना हो, इसलिए आपको बोला जाता है। तो ऊपर छाया चंद्र ग्रहण का असर आप पर अच्छा ही पड़ेगा, इसका किसी राशि पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। खगोलीय घटना जरूर है, और सबसे अच्छी बात यह कि साल 2020 का ये पहला चंद्र ग्रहण है जो 10:37 से शुरू होकर 4:00 यानी कि 11 जनवरी सुबह 4:01 तक लगा रहेगा, लेकिन इसमें सूतक नहीं होगा और मंदिर के पट खुले रहेंगे, जिस तरह की सावधानी आचार्य जी ने हमें बताई। हम उम्मीद है कि आप उन तमाम सावधानियों को बरतेंगे और भगवान की आराधना करेंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे। बस एक चीज और बोलना चाहूंगा सुधा जी, सॉरी टोक रहा हूं आपको, कि कृपया करके कुछ भी हो जाए और जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो ना निकले, क्योंकि देखिए गर्भ आपके आपके पास है और उसको सुरक्षित रखना हमारा कर्म है। तो कृपया करके गर्भवती स्त्रियां जरूर इस ग्रहण से थोड़ा सा दूर रहें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो एक छोटी सी टिप मैं देना चाह रहा हूं। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि आचार्य जी की ये टिप भी आप जरूर अमल में लाएंगे, ताकि किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम आपके सामने ना हो। तो आपका परिवार यूं ही हंसता रहे, खुश रहे, समृद्धि रहे, सुख शांति रहे, यही हम कामना करते हैं। तो आज के ग्रह चक्र में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, ईश्वर सबका कल्याण करे, ओम नमः शिवाय।